से महाराष्ट्र सरकार का बजट अधिवेशन शुरू हो गया। हालांकि इसकी शुरुआत में ही बीजेपी और सत्तारूढ़ दलों के बीच जमकर हंगामा मचा। विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में बीजेपी विधायकों ने विधानसभा गेट पर धरना प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार मंत्री नवाब मलिक को बर्खास्त करने की मांग की। विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने ओबीसी आरक्षण पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब तक इंपीरियल डेटा तैयार नहीं हो जाता तब तक स्थानीय निकाय का कोई भी चुनाव मंजूर नहीं होगा। आइए सुनाते उन्होंने क्या कुछ कहा। महाराष्ट्र में पहली बार कोई मंत्री जेल के अंदर है फिर भी उनका इस्तीफा नहीं लिया गया, ये अप्रत्याशित है। वो जेल में गए हैं कोई छोटे मोटे आरोप में नहीं, तो सीधे दाऊद के परिवार के साथ साठ गांठ का आरोप है, दाऊद के परिवार से व्यवहार का आरोप है। मुंबई बम विस्फोट के आरोपी जिन्हें लाइफ इंप्रिजनमेंट हुई है, ऐसे आरोपी से जमीन खरीदी और जो जमीन किसी तीसरे की, उनको एक पैसा नहीं मिला है। और ये सारे व्यवहार में उन पर दबाव लाने के लिए 55 लाख रुपए ये हसीना पारकर को दिए। इस प्रकार की सारी चीजें रिमांड एप्लीकेशन में हमने देखी है और ये मामूली बात नहीं है। उनको रिमांड देते हुए जज ने, ये प्राइमा फेसी केस है, इस प्रकार से अपने रिमांड के जजमेंट में भी लिखा हुआ है और रिमांड अलाउ किया है। ऐसे समय नवाब मलिक इनका इस्तीफा सरकार क्यों नहीं लेना चाहती? ये दाऊद समर्पित सरकार है, ये दाऊद शरण सरकार है, ये सरकार दाऊद के साथ जो रिश्तेदारी रखते हैं उनको बचाने के लिए एक आ रही है। इसीलिए हमने इसका विरोध शुरू किया है और हमारी मांग है कि तुरंत नवाब मलिक इनका इस्तीफा लिया जाना चाहिए। इससे पहले संजय राठौड़ इनके ऊपर आरोप लगे तो उनका इस्तीफा लिया गया, नैतिकता के आधार पर लिया गया। अनिल देशमुख ये जेल में जाने से पहले उनका इस्तीफा लिया गया और अब कोर्ट ने रिमांड देने के बावजूद भी इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद किसी के दबाव में ये सरकार काम कर रही है। ये किसका दबाव है? दाऊद के आदमी को बचाने के लिए, दाऊद से व्यवहार करने वालों को बचाने के लिए किसका दबाव सरकार के ऊपर है? ये सवाल हम करना चाहते हैं और हमारी मांग है उनका इस्तीफा तुरंत लिया जाना चाहिए। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।